नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात कर लेते हैं अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स वन लाइनर में। याद रखिए कि पिछले लेक्चरों में हम बात कर चुके हैं सितंबर माह तक की। इस लेक्चर में बात करते हैं अक्टूबर माह तक की। अगर जनवरी से लेकर सितंबर माह तक का आप वीडियो देखना चाहते हैं या करंट अफेयर, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर को जिस देश ने अपना 70वां राष्ट्रीय दिवस मनाया, तो यह चीन। 1 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय वजूर दिवस मनाया गया, तो यह द जर्नी टू एज इक्वालिटी। अगला, 1 अक्टूबर 2019 को जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया, तो यह 44वें स्थान पर। अगला, 1 अक्टूबर 2019 को व्यूनस आयर एटीपी चैलेंजर्स जीतने वाले पहले एशियाई व भारतीय खिलाड़ी कौन है, सुमित नागल। अगला, 1 अक्टूबर 2019 को किसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी बोर्ड के रूप में पदभार संभाला है, तो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जी इवा, बुल्गारिया के हैं। अगला हमारा, 2 अक्टूबर 2019 को AAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला जेवलिन थ्रो फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी, तो हैं अनु रानी। अगला है, 2 अक्टूबर 2019 को पहले गैर वेटिस मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने, तो हैं कुमार संगकारा। अगला है, 2 अक्टूबर 2019 को किस दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगला है, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किसे स्वच्छता दूत सम्मान प्रदान किया गया, तो ये सचिन तेंदुलकर। अगला है, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के साथ किसकी 106वीं जयंती मनाई गई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। अगला है, 2 अक्टूबर 2019 को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन किसे चुना गया, जयपुर रेलवे स्टेशन को। दूसरा है जोधपुर रेलवे स्टेशन, तो पहला हमारा जयपुर है, दूसरा जोधपुर, याद रखिए। अगला है, 2 अक्टूबर 2019 को किस राज्य सरकार ने पान मसाला और तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान सरकार। अगला है, 2 अक्टूबर 2019 को BCCI के सलाहकार समिति के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दे दिया, तो ये कपिल देव। अगला है, 4 अक्टूबर 2019 को विदेशी T20 टीम के साथ हस्ताक्षर करने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई, निदा डार। अगला है, 4 अक्टूबर 2019 को पंजाब का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, यह विनोद कुमार शर्मा। अगला है हमारा, 4 अक्टूबर 2019 को देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का शुभारंभ किन स्टेशनों के बीच हुआ, तो यह लखनऊ से नई दिल्ली। अगला है, 5 अक्टूबर 2019 को सरकार ने सभी परिस्थितियों में घायल हुए जवानों के परिजनों के लिए वित्तीय मदद को 2 लाख से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी है, 8 लाख रुपये। अगला है, 5 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, तो ये यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। अगला है, 5 अक्टूबर 2019 को टाटा कम्युनिकेशंस ने किसको प्रबंध निदेशक और समूह को CEO नियुक्त किया है, तो अमूर लक्ष्मी नारायण। अगला है, 5 अक्टूबर 2019 को भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश के वक लोह में। अगला हमारा, 5 अक्टूबर 2019 को 100वां T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज कौन बन गई, तो ये हरमनप्रीत कौर। अगला है, 5 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने संयुक्त रूप से बिजली समस्या से निपटने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये प्रकाश पोर्टल।
अगला है 5 अक्टूबर 2019 को किस राज्य सरकार ने कुपोषण को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य। अगला है 6 अक्टूबर 2019 को T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक रहने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने, तो है मोहम्मद हस नैन, पाकिस्तान के हैं। अगला है 6 अक्टूबर 2019 को एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा छक्के 13 लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने, रोहित शर्मा, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। अगला है हमारा 7 अक्टूबर 2019 को प्रथम विश्व कपास दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, जेनेवा में। अगला है 7 अक्टूबर 2019 को 19 को सात अक्टूबर 2019 को पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया, तो है क्रिश सिल्वर बोर्ड। अगला है 7 अक्टूबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2019 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो है विलियम जी कोलिन जूनियर, और फिर दूसरे हैं ग्रेग सिमेंजा और पीटर जे रेडक्लिफ। अगला है 7 अक्टूबर 2019 को भारतीय सेना ने अपना पहला पर्वतीय युद्ध अभ्यास हिम विजय कहाँ पर आयोजित किया, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 7 अक्टूबर 2019 को विश्व व्यापार संगठन द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो यह विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस। अगला है 8 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है, यह जेम्स पावेल, मिशेल मेयर और डिडियर क्यूलोज, ठीक है, 3 लोगों को मिला है। अगला है 8 अक्टूबर 2019 को लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने, राजनाथ सिंह। अगला है 8 अक्टूबर 2019 को भारत ने किस देश से पहला रफाल लड़ाकू विमान RV-001 ग्रहण किया, पाकिस्तान, सॉरी फ्रांस से। RV-001 ग्रहण किया है फ्रांस से। अगला है 8 अक्टूबर 2019 को भारतीय वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, यह 87वीं। अगला है 8 अक्टूबर 2019 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बालिका के जन्म लेने पर परिवार को 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश। अगला है 9 अक्टूबर 2019 को सबसे ज्यादा समय इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी, मैताली राज, 20 साल। अगला है 9 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, 5%। अगला है 9 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर आया, 68वें, प्रथम पर सिंगापुर। अगला है 9 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा की है, तो है जॉन विगोडेनफ, स्टैनली विटिंगम और अकीरा यूसेनो, इन 3 को दिया गया है 2019 का नोबेल प्राइज रसायन विज्ञान का। अगला है 9 अक्टूबर 2019 को यूएनईपी द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे चुना गया, रमेश पांडे को। अगला है 9 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये विश्व डाक दिवस, तो याद रखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला है 10 अक्टूबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2018-19 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये 2018 को मिला है ओल्गा तोकारजुक को, पीटर हैंडके को मिला है 2019 का साहित्य का, याद रखिए, क्योंकि 2018 में साहित्य का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, इसलिए 2019 में दिया गया है 18 का भी, 19 को। 18 का मिला है ओल्गा तोकारजुक और पीटर हैंडके, 2019 का पीटर हैंडके। अगला है हमारा, अगला 10 अक्टूबर 2019 को किस देश ने देश की महिलाओं को पुरुषों के मैच नहीं देखने के लिए लगी 40 वर्ष पुरानी पाबंदी को हटा दिया, ईरान ने। अगला है 10 अक्टूबर 2019 को किस दिवस के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया,
एक सुसाइड प्रिवेंशन। अगला है 10 अक्टूबर 2019 को रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदल का नया नाम क्या रखा गया, तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। अगला है 10 अक्टूबर 2019 को रूस ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ करेज से किसे सम्मानित किया, नासा के एस्ट्रोनॉट निक हैक को। अगला है 11 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। अगला हमारा 11 अक्टूबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया किसे दिया जाएगा, तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने हेतु दिया जाएगा, आप याद रखिए इन्हें इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी बोला जाता है अबी अहमद। अगला 11 अक्टूबर 2019 को कप्तान के तौर पर 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने, विराट कोहली। अगला है 12 अक्टूबर 2019 को गूगल ने डूडल बनाकर किस बंगाली कवियत्री को याद किया, तो कामिनी राय। अगला है 12 अक्टूबर 2019 को खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले भारत खेल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अगला है 12 अक्टूबर 2019 को फोर्स द्वारा जारी 100 अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। अगला हमारा 12 अक्टूबर 2019 को पद्म श्री से सम्मान किए जाने वाले पहले सैक्सोफोन मास्टर का निधन हो गया, कादरी गोपाल नाथ। अगला 13 अक्टूबर 2019 को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया, तो यह भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। अगला है 13 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो आपदा न्यूनीकरण दिवस। अगला है 13 अक्टूबर 2019 को ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया, ब्राजील में। अगला है 13 अक्टूबर 2019 को दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड वाले देश की सूची में भारत किस स्थान पर पहुँच गया, सातवें। अगला है 13 अक्टूबर 2019 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले किसने जीता, मंजू रानी ने। अगला है 13 अक्टूबर 2019 को 2018-19 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किससे सम्मानित किया गया, ये निर्माता निर्देशक प्रिय दर्शन को। अगला है 14 अक्टूबर 2019 को भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS कौन बनी, प्रांजल पाटिल। अगला है 14 अक्टूबर 2019 को वार्षिक स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ द फेम में ऑस्ट्रेलियाई खेल के सर्वोच्च सम्मान द डॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, एसली वार्टी। अगला है 14 अक्टूबर 2019 को 2 घंटे से कम में मैराथन पूरी करने वाली दुनिया के पहले धावक कौन बन गए, तो केन्याई धावक एलियुड किपचोगे। अगला है 14 अक्टूबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया, वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट ए ग्लोबल स्टेज के साथ। अगला हमारा 14 अक्टूबर 2019 को किसने नीदरलैंड में डच ओपन पुरुष का खिताब जीतकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है, लक्ष्य सेन। अगला है 14 अक्टूबर 2019 को अंतरिक्ष में पहली बार चहल कदमी करने वाले किस रूसी अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया, यह एलेक्सी लियोनोव। अगला 14 अक्टूबर 2019 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा किस भारतीय नन को संत की उपाधि दी गई, केरल की नन मैरियम थ्रेसिया। अगला 14 अक्टूबर 2019 को किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, यह अभिजीत बनर्जी। अगला है 15 अक्टूबर 2019 को किंग्स इलेवन पंजाब ने IPL सीजन 2020 के लिए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया, अनिल कुंबले को। अगला है हमारा 15 अक्टूबर 2019 को शक्कर पेय विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया, सिंगापुर। अगला है 15 अक्टूबर 2019 को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 10वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ है, जबलपुर MP में।
अगला है 15 अक्टूबर 2019 को महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई? 88वीं। अगला है 15 अक्टूबर 2019 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का निर्यात 57% कम होकर कितना हो गया? 26 अरब डॉलर। अगला है हमारा 15 अक्टूबर 2019 को सेफ अंडर 15 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 का विजेता कौन रहा है? भारत। उप विजेता रहा है बांग्लादेश। अगला है हमारा 15 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर में शामिल किया? जयपुर के परकोटा को। अगला है 15 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया? यह रूरल वोमेन एंड गर्ल्स होल्डिंग क्लाइमेट रेसिलियंस। अगला है 15 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह मार्गरेट एडवुड उपन्यास द हैंडमेड्स टेल और दूसरे वर्नर डाइन एरिस्टो उपन्यास गर्ल वुमेन अदर। अगला है 16 अक्टूबर 2019 को किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये इंग्लैंड की जेनी मून। अगला है 16 अक्टूबर 2019 को भारत में जारी 20वीं पशुधन गणना 2019 की किस राज्य में पशुधन संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? पश्चिम बंगाल, दूसरा तेलंगाना और तीसरा है आंध्र प्रदेश। अगला है हमारा 16 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया गया? तो ये आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। अगला है हमारा 16 अक्टूबर 2019 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत के स्थान पर है 102वें स्थान पर, प्रथम पे है बेलारूस। अगला है 16 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की स्थिति स्थित चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला है 17 अक्टूबर 2019 को यूरोपीय लीग में सर्वाधिक गोल करने के लिए किसे छठी बार गोल्डन शू अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह बार्सिलोना के कप्तान लियोनेल मेस्सी को। अगला है 17 से 23 अक्टूबर 2019 तक भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन दो देशों की यात्रा पर रहे? फिलीपींस और जापान। अगला है 17 अक्टूबर 2019 को लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने कौन बने? तो मुंबई की यशस्वी जायसवाल। अगला है 17 से 23 अक्टूबर 2019 के बीच किन दो देशों की वायुसेना के बीच सैन्यू मैत्री नाम से एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? भारत और जापान की। अगला है 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किसका रहा? कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र। अगला है 17 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया? ए एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रेन दियर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी। अगला है हमारा 18 अक्टूबर 2019 को सिर्फ दो महिलाओं ने पहली बार स्पेस वॉक कर इतिहास रच दिया। यह महिलाएं जोड़ी कौन है? क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर। अगला है 17 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार को। अगला है 18 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? यह है अनूप कुमार को सिंह को। अगला है 18 अक्टूबर 2019 को निवेश को आमंत्रित करने के लिए मैंगी फिसेंट मध्य प्रदेश सम्मेलन कहाँ किया गया? तो यह इंदौर में। अगला है 19 अक्टूबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 91वें इंटरपोल महासभा 2020 की मेजबानी किसे मिला है? भारत को। अगला है हमारा 19 अक्टूबर 2019 को भारत के वाल निर्माता कंपनी मोबिल इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बजरंग पूनिया को। अगला 20 अक्टूबर 2019 को किन दो देशों के बीच 10वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वरियन 2019 महाराष्ट्र के पुणे में संपन्न हुए? तो भारत मालदीव। अगला 20 अक्टूबर 2019 को
इजिप्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता? भारत के कुहू गर्ग और ध्रुव रावत ने। अगला, 20 अक्टूबर 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरन को। अगला है, 20 अक्टूबर 2019 को इंग्लैंड में साल 2020 में होने वाले टूर्नामेंट द हंड्रेड के ड्राफ्ट में बिकने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? अफगानिस्तान के लिए स्पिनर रशीद खान। अगला, 20 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में 15वां दिल्ली हॉफ मैराथन में पुरुष महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? क्रमशः हैं एंड मलाक बेलियू इथोपिया के और सहेब गेमचू ये इथोपिया के। अगला, 20 अक्टूबर 2019 को आयोजित 15वां दिल्ली हाफ मैराथन में भारतीय श्रेणी के पुरुष वर्ग में पहला स्थान किसने हासिल किया? श्रीनु बोगाया। अगला, 20 अक्टूबर 2019 को मलेशिया में खेले गए सुल्तान जीहोर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 का विजेता कौन है? ब्रिटेन। उप विजेता रहा है भारत। अगला, 20 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो वेटर डाटा वेटर लीव। अगला, 21 अक्टूबर 2019 को भारत का कौन सा दिवस मनाया गया? पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। अगला, 21 अक्टूबर 2019 को विदेश मंत्रालय ने निकारागुआ गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया? उपेंद्र सिंह रावत को। अगला, 21 अक्टूबर 2019 को आजाद हिंद सरकार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 76वीं। अगला, 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की हुई बैठक में सुरक्षा बलों के लिए कितने रुपये की स्वदेशी उपकरण की खरीद की मंजूरी दी है? 33 अरब रुपये। अगला हमारा, 21 अक्टूबर 2019 को किस राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो असम सरकार ने। अगला, 21 अक्टूबर 2019 को वित्तीय कार्यवाही कार्यदल ने किसको संदिग्ध सूची से बाहर किया? श्रीलंका को। अगला हमारा, 22 अक्टूबर 2019 को औपचारिक तौर पर जापान के नए सम्राट कौन बने? नारुहितो। अगला, 22 से 23 अक्टूबर 2019 के बीच भारत बांग्लादेश के हितधारकों को की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? गुवाहाटी में। अगला, 20 अक्टूबर 2019 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? पंकज कुमार को। अगला, 22 अक्टूबर 2019 को PM मोदी ने की पहल भारत की लक्ष्मी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। अगला, 22 अक्टूबर 2019 को किसे हराकर रौनक साधवानी भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बने? तो रूसी GM अलेक्जेंडर मोटलेव को। अगला, 23 अक्टूबर 2019 को किस देश के प्रशासन ने विवादित प्रत्यर्पण कानून को वापस लिया जिसके कारण वहां कई महीनों तक अराजक के दर्शन हो रहे थे? हांगकांग प्रशासन ने। अगला, 23 अक्टूबर 2019 को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ब्रिज राज शर्मा को। अगला, 23 अक्टूबर 2019 को 15वां बुसू विश्व चैंपियनशिप दिवस 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? फिरमीड कुमार। अगला, 23 अक्टूबर 2019 को सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रही किस सरकारी टेलीकॉम कंपनी को BSNL में विलय करने का फैसला किया? MTNL को। अगला, 23 अक्टूबर 2019 को BCSI के 39वें अध्यक्ष के रूप में किसने कारोबार संभाला है? सौरभ गांगुली। सचिव रहे हैं जयसांग। अगला, 23 अक्टूबर 2019 को अहमदाबाद के ट्रांसटेडिया स्थित ईका एरेना में आयोजित वीवो प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है? बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को हराकर। अगला, 23 अक्टूबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 20 नवंबर से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वर्ण जयंती कहाँ आयोजित की जाएगी? गोवा में।
अगला एक 23 अक्टूबर 2019 को चीन के शंघाई में आयोजित 15वां वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 10वें पर। प्रथम पर चीन है, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे हांगकांग। अगला है 24 अक्टूबर 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो याद रखिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला है 24 अक्टूबर 2019 को भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरविंद सिंह को। अगला है 24 अक्टूबर 2019 को पोलियो बीमारी और उन्मूलन के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो है विश्व पोलियो दिवस। अगला है 26 अक्टूबर 2019 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुखबीर सिंह सिंधु। अगला है 24 अक्टूबर 2019 को किन दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL। अगला है 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? 63वां। अगला है 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नतीजे घोषित किए गए, किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना गठबंधन ने 161 सीटें की। लेकिन याद रखिए यहाँ शिवसेना बीजेपी ने अभी सरकार नहीं बनाई, 2 नवंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर में रिजल्ट आया लेकिन अभी तक क्योंकि इनमें मुख्यमंत्री को लेकर कोई समाधान नहीं निकल रहा, तो 20 नवंबर तक कोई सरकार नहीं बनी महाराष्ट्र में, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक, अगला है हमारा 24 अक्टूबर 2019 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के घोषित नतीजों में कौन सी पार्टी 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी? तो ये भारतीय जनता पार्टी BJP। अगला 24 अक्टूबर 2019 को जारी व्यापार को सुगम बनाने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गए? 63वें। प्रथम पे न्यूजीलैंड। अगला 24 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रवि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर कितना कर दिया? 1925 रुपये प्रति क्विंटल। अगला 24 अक्टूबर 2019 को किन दो देशों के बीच करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? भारत पाकिस्तान। अगला 24 अक्टूबर 2019 को मोहन बगान एथलेटिक क्लब ने किससे नोबेल पुरस्कार विजेता को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? अभिजीत बनर्जी को, यानी 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है, भारतीय मूल के हैं। अगला 25 अक्टूबर 2019 को किस देश ने भारत और चीन के लोगों के लिए बिना वीजा आने की अनुमति दी है? ब्राजील। अगला 25 अक्टूबर 2019 को बेंगलोर में खेले गए फाइनल में तमिलनाडु को हरा कर किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 अपने नाम किए? कर्नाटक की टीम ने। अगला 25 अक्टूबर 2019 को अमेजन के संस्थापक जेफ वेगोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स। इनकी कुल संपत्ति 7 अरब अमेरिकी डॉलर है। अगला 25 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला 24 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? राधा कृष्ण माथुर को। अगला 25-26 अक्टूबर 2019 को 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया? अजरबैजान के बाकू में। अगला 25 अक्टूबर 2019 को गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना? गांधीनगर। अगला 25 अक्टूबर 2019 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश। अगला 26 अक्टूबर 2019 को रेलवे ने फिल्म प्रमोशन के लिए किस नाम से स्कीम शुरू की? प्रमोशन ऑन व्हील्स। अगला 26 अक्टूबर 2019 से उत्तर प्रदेश में आपात सेवा नंबर 100 को बदलकर कितना कर दिया? 112। अगला 26 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव 2019 के तहत सरयू घाट पर
कितने दिए जलाए गए? 5,51,000 जलाए गए, ठीक है। अगला है 26 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस कक्षा के छात्रों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट तमन्ना शुरू किया है? तो 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए। अगला है 27 अक्टूबर 2019 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मनोहर लाल खट्टर ने। उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला। अगला है 27 अक्टूबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस मनाया गया? तो है इंगेज द फास्ट थ्रू साउंड एंड इमेज। अगला है 27 अक्टूबर 2019 को अबू बकर अल बगदादी अमेरिकी सैन्य कार्यवाही में सीरिया में मारा गया है, वह किस आतंकी समूह का प्रमुख था? ISIS। अगला है हमारा 27 अक्टूबर 2019 को फिंच ओपन बैडमिंटन 2019 प्रतियोगिता के पुरुष डबल वर्ग में कौन सी भारतीय जोड़ी उपविजेता बनी है? सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी। अगला है 28 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे के लिए अपने एयर स्पेस से उड़ने की मंजूरी न देने के कारण भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था में किसकी शिकायत की है? पाकिस्तान की। अगला है 28 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 के बीच किस विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया? निष्ठावान जीवन शैली। अगला है 28 अक्टूबर 2019 को किस समुदाय ने दुनिया भर में नव वर्ष वेस्तु वर्ष मनाया है? तो गुजराती समुदाय ने। अगला है 29 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन के लिए कितनी कंपनियों को राष्ट्रीय CSR पुरस्कार प्रदान किया? 19 कंपनियों को। अगला है 19 अक्टूबर 2019 को किस फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए मानद ऑस्कर प्रदान किया गया? अमेरिकी निर्देशक डेविड लिंच को। अगला है 19 अक्टूबर 2019 को ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी को भी मारे जाने की पुष्टि की गई, उसका उत्तराधिकारी कौन था? अब्दुल्लाह कारदस। अगला है हमारा 29 अक्टूबर 2019 को भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? यह न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। अगला है 30 अक्टूबर 2019 को कहां 7वां तवांग उत्सव शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 30 अक्टूबर 2019 को ICC ने किस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को जानकारी नहीं देने के आरोप के चलते सभी तरह के क्रिकेट से 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो बांग्लादेश के टेस्ट और T20 कप्तान शाकिब अल हसन को। अगला है 20 अक्टूबर 2019 को किस ने महज 189 दिनों में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों पर 8000 मीटर की चढ़ाई एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया? तो यह नेपाल के पर्वतारोही निर्मल पूजा। अगला है हमारा क्वेश्चन 31 अक्टूबर 2019 को जारी सूचना के अनुसार कितने वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट डाल सकेंगे? विकलांग के 80 वर्ष से अधिक आयु वाले। अगला 31 अक्टूबर 2019 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2019 शुरू हुआ है? भारत फ्रांस के बीच। अगला 31 अक्टूबर 2019 को किसके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला 31 अक्टूबर 2019 को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? यह दत्ता पड़सलगियर। अगला हमारा 31 अक्टूबर 2019 को किस पहली महिला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख का निधन हो गया? सदाको ओगाटा। अगला 31 अक्टूबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व शहर दिवस मनाया गया? यह चैलेंजिंग द वर्ल्ड इनोवेशन एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला 31 अक्टूबर 2019 को 28वें व्यास सम्मान से किसे अलंकृत किया गया? लीलाधर जगूड़ी को। अगला
31 अक्टूबर 2019 को पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले सबसे पुरानी युग शिक्षक का निधन हो गया, नान मल का। ठीक है, यहाँ याद रखिए आप लोग, जो 2019 का व्यास सम्मान मिला हुआ है वो मिला है किसे, नासिरा शर्मा को, कागज की नाव के लिए। और 2018 का जो पुरस्कार है व्यास सम्मान, ये मिला है लीलाधर जगूड़ी को, उनके जीत एक उपन्यास है जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए। तो 2019 का जो मिला है वो नासिरा शर्मा, और 2018 का लीलाधर जगूड़ी। और 2018 के सरस्वती सम्मान की बात करें तो के शिवा रेड्डी को मिला है 2018 का, ठीक है। और साहित्य अकेडमी की पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है 2018 का चित्रा मुदगल को, ठीक है। और दो चंगनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 24 भाषाओं में मिलता है, और ये 2018 का मिला है अमिताव घोष को, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 2000 अक्टूबर 2019 की वन लाइनर में, ठीक है।